नमस्कार, मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नीट पीजी का रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं काउंसलिंग को लेकर के कि कैसे करें, स्टेट काउंसलिंग में क्या होता है और ऑल इंडिया काउंसलिंग में क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अभी काउंसलिंग में टाइम है, आप थोड़ा सा धीरज रखें, थोड़ा टाइम दें, अभी टाइम है काउंसलिंग में। मतलब ये काउंसलिंग में अभी कम से कम 20 डेज है, 20 डेज के बाद ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब बात करते हैं कुछ सवालों के जो कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं लोगों को। देखिए, ऑल इंडिया काउंसलिंग में 50% सीट होती है जिसमें कि आप सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जितने भी लोग क्वालिफाई हुए हैं, मतलब जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है, 50% मार्क्स लाए हैं, वो सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, वो सब के सब अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में। ऑल इंडिया काउंसलिंग में क्या होगा, सारे गवर्नमेंट कॉलेज, डीम यूनिवर्सिटी, ये सारे कॉलेज आ जाएंगे उसमें, ठीक है। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करेंगे तो उसमें गवर्नमेंट सीट 400 के आसपास आएगा लमसम टोटल, और अगर आप प्राइवेट सीट की बात करेंगे तो वो 1000 के आसपास हो गया सीट्स टोटल। मतलब टोटल 1500 सीट के लिए काउंसलिंग होगी, 1000 सीट उसमें प्राइवेट होगा, मतलब डी यूनिवर्सिटी की होगी, प्राइवेट कॉलेज की होगी, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी की होगी और साथ में गवर्नमेंट कॉलेज की। इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें कोई भी रूल रेगुलेशन या फिर डोमिसाइल नीडेड नहीं होता है, ठीक है। ये बात हो गई ऑल इंडिया काउंसलिंग की। अब बात आती है कि आप किस स्टेट के लिए एलिजिबल है। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने राजस्थान से बीडीएस किया है, लेकिन रहने वाले आप उत्तर प्रदेश के हैं, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है आपके पास, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। बट ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज पे लागू होता है नियम, जो प्राइवेट कॉलेज होगा उत्तर प्रदेश का उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। मतलब कि जितने भी स्टेट में प्राइवेट कॉलेज हैं वहां पर कोई भी काउंसलिंग कर सकता है, वहां पर डोमिसाइल या ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप जाइएगा और आपका काउंसलिंग हो जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं कॉलेज। जो भी डोमिसाइल या फिर स्टेट कोटा की बात हो रही है यहां पे, वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हो रही है। तो पहले तो आप बिल्कुल निफिक्र हो जाइए कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो आप सिर्फ उसी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं स्टेट कोटा में जहां से आपने बीडीएस पास आउट किया, ना कि जहां के आप रहने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका रैंक 405 था और आपने बीडीएस दिल्ली से किया है, मौलाना आजाद से, और रहने वाले आप मध्य प्रदेश के हैं, तो आप मध्य प्रदेश का इंटरनल कोटा नहीं ले पाएंगे स्टेट कोटा। आपको इंटरनल कोटा लेने के लिए दिल्ली स्टेट का ही आपको इंटरनल कोटा मिलेगा, चाहे आप दिल्ली के रहने वाले हो या ना हो, जहां जिस स्टेट से आपने बीडीएस किया है सिर्फ उसी स्टेट में आपको इंटरनल कोटा मिलेगा। तो होप आपका ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बट फिर से मैं बता दूं आपको, ये चीज सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लीकेबल है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे, सपोज कीजिए कि यूपी में प्राइवेट कॉलेज है, मध्य प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज है, राजस्थान में प्राइवेट कॉलेज है, कर्नाटका में प्राइवेट कॉलेज है, तमिलनाडु में प्राइवेट कॉलेज है, केरला में प्राइवेट कॉलेज है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। वहां पर फिर से वो ऑल इंडिया कोटा टाइप में चलेगा, वो कहने के लिए होगा कि स्टेट सीट है बट ऑल इंडिया से चलेगा। और अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो आप डायरेक्ट जाके कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एनी काउंसलिंग। ये तब संभव होता है जब थर्ड राउंड काउंसलिंग या सेकेंड राउंड काउंसलिंग खत्म हो जाती है और 50% से ज्यादा सीट इम्प्टी रह जाता है कॉलेज का। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि चाहे किसी भी साल का उठा लो आप रिजल्ट, 50% सीट्स एमडीएस में प्राइवेट कॉलेज की खाली रह जाती है, कोई एडमिशन नहीं लेता है। तो सेम कॉलेज आपको मिल सकता है, जो सेम कॉलेज होता है फिर उसकी क्या होती है, फीस स्ट्रक्चर कम की जाती है। सपोज करो एक कॉलेज है एक्स वाई जेड डेंटल कॉलेज, वो यूपी का है, आपने ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी वो आया था, उसका नाम आता है, फिर उसी कॉलेज का नाम स्टेट काउंसलिंग में भी आता है। तो सपोज करो ऑल इंडिया काउंसलिंग में सेम कॉलेज में सेम ब्रांच में एक बच्चा गया है, उसकी फीस 6 लाख रुपीज पर ईयर है, बट जब स्टेट काउंसलिंग में आप जाओगे तो उसी कॉलेज की फीस हो जाएगी 5 लाख रुपीज पर ईयर। और अगर उसकी सीट खाली रह गई आफ्टर दिस तो आप डायरेक्ट जाते हो एडमिशन के लिए, तो हो सकता है कि बार्गेनिंग करने के बाद वही सीट आपको 3 लाख रुपीज में मिल जाए। क्यों? कॉलेज वाले ये सोच रहे होते कि मेरी सीट जो खाली रह जाएगी पूरे 3 साल, उससे बेटर है जो ही पैसे आ रहे हैं ले लो बच्चों को। तो अगर आप प्राइवेट में ले रहे हैं, और बहुत ही अच्छे कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब टॉप 10 को अगर आप छोड़ दीजिए तो सारे प्राइवेट कॉलेज सेम ही होते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, 19-19 का फर्क होता है। तो उन कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा वेट कीजिए, सेकेंड राउंड काउंसलिंग खत्म होने दीजिए, सेम कॉलेज में आपको बहुत सस्ते प्राइस में मिल जाएगा। अब अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, जो बहुत लोग कह रहे हैं रिवाइज कटअप की बात, जो जिनका रैंक की जो कटअप है उससे आपके 10 मार्क्स 20 मार्क्स 30 मार्क्स कम है,
तो उन बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, इसके लिए आपको आराम से वेट करना होगा। तब तक आप सिर्फ ये डिसाइड कीजिए आपको ब्रांच कौन सा चाहिए। आप कॉलेज डिसाइड नहीं कर पाएंगे उस केस में, आप सिर्फ ब्रांच डिसाइड कीजिए। और कोई भी अगर आपको ये कह रहा है कि मैं आपको ये कॉलेज का ये ब्रांच दिला दूंगा आफ्टर रिवाइज कटअप और आप मुझे इतने पैसे एडवांस दे दो, सीट बुक कर लेते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये गलती बिल्कुल ना करें प्लीज, आप सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है। आप बिल्कुल फंस जाओगे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ और सिर्फ ब्रांच डिसाइड कर लें कि हाँ मुझे ऑर्थो लेना है, मुझे प्रोस्टो लेना है। और जब सेकेंड राउंड काउंसलिंग खत्म होगा और रिवाइज कटअप आएगा तो ये देख लीजिए किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है, वहां खुद से जाइए और खुद से आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको कोई सजेशन चाहिए होगा इससे रिलेटेड, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच किस टाइम पे खाली है और आपका रिवाइज कटअप के बाद आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, कॉन्टेक्ट मी। लेकिन कहीं से भी किसी और के चक्कर में ना पड़े जो ये कहें कि आपको एडवांस पैसे देने हैं करने हैं, मतलब जो एक कंसिस्टेंसी है उनके चक्कर में ना पड़े प्लीज, वो कुछ नहीं करवा पाएंगे। और सेकेंड ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं हैं एलिजिबल तो प्लीज एक बार और तैयारी कर लीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार और दे दीजिए आप एग्जाम। एग्जाम अगले 5-6 महीने में एग्जाम आ ही जाएगा और आप एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर अच्छे से पढ़ के आप एग्जाम देंगे तो बिल्कुल टेंशन ना लें इन सब चीजों का। जैसे ही काउंसलिंग आ जाएगी तो कैसे काउंसलिंग करना है ऑल इंडिया का, कैसे अलग अलग स्टेट के काउंसलिंग स्टार्ट होंगे वो मैं खुद आपको बता दूंगा, मैं बहुत सारी वीडियोज डाल दूंगा उस पर। बट उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध है कि प्लीज आप जिस भी कॉलेज से बिलोंग करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में आप होंगे, चाहे वो टेलीग्राम का हो चाहे वो व्हाट्सएप का हो, तो प्लीज उन सारे ग्रुप्स में शेयर कीजिए वीडियो को और उनसे अनुरोध कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप बिल्कुल ना घबराएं, थोड़ा टाइम लगेगा अभी क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी चीजें नहीं होती हैं, और उसके बाद फिर आप बिल्कुल, और जब तक जिनके भी कैटेगरीज वाइज हैं वो सब अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी करें, जैसे कि STSC से आ रहे हैं या फिर OBC से आ रहे हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप में आ रहे हैं आप, तो प्लीज इन सब के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी करके आप रखें, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए उस टाइम पे, क्योंकि टाइम को सेव करेगा। और ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी सारे लोग पार्टिसिपेट कीजिए, अगर प्राइवेट कॉलेज में चाहिए तो देख तो लीजिए पर प्राइवेट कौन कौन से कॉलेज आ रहे हैं। और ये जो बहुत सारे लोगों का होता है ना क्वेश्चन कि STSC से मैं बिलोंग करता हूं, मेरा रैंक 2100 है, क्या मुझे OS मिल जाएगा, मुझे ऑर्थो मिल जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। रीजन ये होता है कि हमें ये देखना होगा सीट मैट्रिक्स आने के बाद कि आप किस कैटेगरी में कितने सीट्स आए हैं। सपोज करो आपको लग रहा है कि आपका रैंक 1 है और मौलाना आजाद में आपको प्रोस्टो चाहिए, हो सकता है उस साल आपका रैंक तो 1 है लेकिन प्रोस्टो जो है वो एक सीट OBC को चला गया, एक सीट STSC कोटा में चला गया, आप जनरल से बिलोंग करते हैं, अब आपका रैंक 1 भी है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे ना, वहां पर एडमिशन नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो सीट सही नहीं आपके लिए। तो इसलिए MDS में थोड़ा ये कह पाना PG लेवल पे प्रॉब्लम हो जाता है कि क्या इस रैंक पर ये, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो कहना ईजी है क्योंकि कहीं ना कहीं तो जनरल की सीट आएगी ही, बट अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, जैसे आपने OBC में बिलोंग कर रहे हैं, आप SC में बिलोंग कर रहे हैं, आप ST में बिलोंग कर रहे हैं, आप फिजिकल हैंडीकैप में बिलोंग कर रहे हैं, तो यहां पर बहुत प्रॉब्लम है सर, क्योंकि यहां पर यह देखना होगा कि उस कैटेगरी में किसी कॉलेज में उस ब्रांच में सीट होगी तभी तो आप अप्लाई कर पाओगे ना, ऐसे तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इस चीज को लेकर के, लेकिन बिल्कुल भी ना घबराएं, ट्राई करते रहें, आराम से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा। और प्लीज मेरा एक टारगेट है 10K फॉलो मतलब सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का जल्दी से जल्दी, तो आप सब मेरी हेल्प कीजिए उसमें। सब यार कम से कम जितने मेरे फॉलोअर्स हैं या फिर जितने मुझे देख रहे हैं अभी, एटलीस्ट 5 लोगों को तो कन्विंस कर ही सकते हो सब्सक्राइब करने के लिए चैनल, इतने में ही हो जाएगा यार 10K, तो कर दो थोड़ी हेल्प। और ऑल द बेस्ट, कॉलेज आराम से मिलेगा आपको, थोड़ा वेट कर लीजिए, काउंसलिंग स्टार्ट होने दीजिए, मैं वीडियो डालता रहूंगा ऑन द काउंसलिंग कि कैसे करना है क्या नहीं करना है, क्या मिस्टेक करनी है क्या नहीं करनी है। सीट मैट्रिक्स आने दीजिए, मैं आपको ये बताऊंगा सीक्वेंस क्या होनी चाहिए कॉलेज का, कौन सा कॉलेज आप पहले डालो, कौन सा बाद में डालो, किस रैंक पर कैसे करनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ चैनल को थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिए आप लोग, और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।